हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है बेंगलुरु एफसी के ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर अलेक्जेंडर जोनाविक से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अलेक्जेंडर का परफॉर्मेंस बेंगलुरु एफसी के साथ उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो था बेंगलुरु एफसी के साथ। और उनका कॉन्ट्रैक्ट मैं आप सभी को बता दूं कि बेंगलुरु एफसी के साथ 2023 सीज़न तक ही था और वो अभी फ्री एजेंट बन जाएंगे। और सुनने में आ रहा है कि बेंगलुरु एफसी अलेक्जेंडर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहती है, वो कोई और फॉरेन डिफेंडर को साइन करेगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। और फिलहाल के लिए तो कोई आईएसएल क्लब ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया जोनाविक में। और जैसे ही कोई आईएसएल क्लब इंटरेस्ट दिखाती है जोनाविक को साइन करने के लिए, मैं आप सभी को बता दूंगा। अगली खबर निकल के आ रही है मुंबई सिटी एफसी के 33 ईयर ओल्ड अटैकिंग मिडफील्डर अल्बर्टो नेग्वेरा से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अल्बर्टो नेग्वेरा काफ़ी अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर है, उनका स्किल और उनका कंट्रोलिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी अल्बर्टो नेग्वेरा का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट सीजन के लिए एक्सटेंड नहीं करना चाहती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मल्टीपल आईएसएल क्लब्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है नेग्वेरा को साइन करने के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नेग्वेरा काफ़ी अच्छे मिडफील्डर हैं, वो मुंबई सिटी एफसी में उनको गेम टाइम नहीं मिलता था, और अगर बाकी वो किसी और क्लब में रहते तो उनको ज़रूर से गेम टाइम मिलता। और काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड है, लेकिन किसी भी क्लब का नाम तो अभी तक बाहर नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी किसी भी क्लब से रिलेटेड कि कोई भी क्लब इंटरेस्टेड है नेग्वेरा को साइन करने में, मैं आप सभी को बता दूंगा। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अगली खबर निकल के आ रही है स्पेनिश मैनेजर कार्लोस पेना से रिलेटेड। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कार्लोस पेना और एफसी गोवा ने पार्ट वेज कर लिया है और नेक्स्ट सीजन कार्लोस पेना एफसी गोवा के साथ कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एफसी गोवा के साथ 2024 सीज़न तक था, लेकिन फिर भी एफसी गोवा ने उनके साथ पार्ट वेज कर लिया है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि अगले कोच एफसी गोवा के मनोलो मार्कस बनने वाले हैं। एफसी गोवा ने ऑलरेडी मनोलो मार्कस को साइन कर लिया है नेक्स्ट सीजन के लिए, और काफ़ी अच्छी साइनिंग है एफसी गोवा के लिए। आप सभी को पता ही है कि मनोलो मार्कस कितने अच्छे मैनेजर हैं, और देखते हैं कि अभी नेक्स्ट सीजन एफसी गोवा कितना अच्छा परफॉर्म करती है। अगली खबर निकल के आ रही है एफसी गोवा के 34 ईयर ओल्ड डिफेंसिव मिडफील्डर एडुबेडिया से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एडुबेडिया का कॉन्ट्रैक्ट एफसी गोवा के साथ ख़त्म हो चुका है, और सुनने में आ रहा है कि एफसी गोवा एडुबेडिया का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट सीज़न एक्सटेंड नहीं करना चाहती है और वो कोई नया फॉरेन प्लेयर साइन करेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एडुबेडिया प्रीवियसली 6 सीज़न से एफसी गोवा के लिए खेल रहे हैं, और फैंस के साथ तो उनका कुछ इमोशन सा जुड़ गया है, और क्लब के लिए भी वो काफ़ी लॉयल रहे हैं 6 सीज़न से। उन्हें काफ़ी ऑफर्स आए लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी और क्लब को। लेकिन अब जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ये फुटबॉल है और लॉयल प्लेयर्स को छोड़ना पड़ता है नए प्लेयर्स को साइन करने के लिए, यंग प्लेयर्स को साइन करने के लिए। अब देखते हैं कि एफसी गोवा कौन से प्लेयर को साइन करेगी, वो तो मनोलो मार्कस ही डिसाइड करेंगे। लेकिन एडुबेडिया तो कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं एफसी गोवा के साथ। अब देखते हैं कि वो कोई और आईएसएल क्लब ज्वाइन करते हैं या फिर फॉरेन लीग जाते हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है कि कोई आईएसएल क्लब इंटरेस्टेड है ईस्ट बंगाल के अलावा, और देखते हैं कि ईस्ट बंगाल अभी उनको साइन करती है या नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर डिमी पेट्राटोस से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि डिमी करेंटली एटीके मोहन बगान के लिए खेलते हैं, और कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि डिमी नेक्स्ट सीजन एटीके मोहन बगान के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि डिमी का कॉन्ट्रैक्ट एटीके मोहन बगान के साथ 2024 सीज़न तक है, यानी कि एक और सीज़न तक है। और जो भी र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे एटीके मोहन बगान के साथ, वो सब गलत र्यूमर्स है। और मैं आप सभी को बता दूं और कंफर्मेशन भी दे दूं कि डिमी पेट्राटोस नेक्स्ट सीज़न के लिए एटीके मोहन बगान के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है एटीके मोहन बगान के कैप्टन और उनके डिफेंडर प्रीतम कोटाल से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एटीके मोहन बगान ने नेक्स्ट सीज़न अनवर अली को साइन कर लिया है, और मेरे हिसाब से तो अनवर अली ही स्टार्ट करेंगे एटीके मोहन बगान के लिए नेक्स्ट सीज़न। तो फ्यू क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है प्रीतम कोटाल को साइन करने के लिए, और उनमें से एक क्लब है बेंगलुरु एफसी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बेंगलुरु एफसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है प्रीतम कोटाल को साइन करने के लिए। हालांकि प्रीतम कोटाल का कॉन्ट्रैक्ट एटीके मोहन बगान के साथ 2025 सीज़न तक है, और एटीके मोहन बगान का मैनेजमेंट भी नहीं छोड़ना चाहता है प्रीतम कोटाल को, और वो प्रीतम कोटाल को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं एटीके मोहन बगान के साथ ही। लेकिन बेंगलुरु एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है, और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर बेंगलुरु एफसी को प्रीतम कोटाल को साइन करना है
तो उन्हें ट्रांसफ़र भी पे करना पड़ेगा। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि संदेश जिंगन को एफसी गोवा ने साइन कर लिया है, तो बेंगलुरु एफसी को एक अच्छा इंडियन डिफेंडर चाहिए और इसलिए बेंगलुरु एफसी प्रीतम कोटाल को अप्रोच कर रही है। अब देखते हैं कि बेंगलुरु एफसी प्रीतम कोटाल की साइनिंग कंप्लीट कर पाती है या नहीं। अगली खबर निकल के आ रही है 27 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर जेसन कमिंग से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एटीके मोहन बगान ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था जेसन कमिंग को साइन करने के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं जेसन कमिंग्स के बारे में, तो जेसन कमिंग्स काफ़ी अच्छे फॉरवर्ड है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में भी खेला था। उन्होंने 2 अपीयरेंस किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रुप स्टेजेस में वर्ल्ड कप में, और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था वर्ल्ड कप में, और उन्होंने एक गोल भी स्कोर किया था वर्ल्ड कप में। और करेंटली वो ए लीग क्लब सेंट्रल कोस्ट एफसी के साथ खेलते हैं और उनका परफॉर्मेंस सेंट्रल कोस्ट एफसी के लिए काफ़ी अच्छा है। उन्होंने 24 मैचेस खेलते हुए 19 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है ए लीग में, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है किसी भी स्ट्राइकर के लिए। और सुनने में आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी ने भी रेस को ज्वाइन कर लिया है जेसन कमिंग्स को साइन करने के लिए, और मुंबई सिटी एफसी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है जेसन कमिंग्स को साइन करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई सिटी एफसी अपने कुछ प्लेयर्स को छोड़ रहे हैं, जैसे कि मोर्टाडा फॉल, फिर नोगवेरा। तो मेरे हिसाब से तो नोगवेरा की जगह किसी फॉरेन स्ट्राइकर को ही साइन करना चाहते हैं, और इसलिए वो शायद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जेसन कमिंग्स को साइन करने के लिए। हालांकि एटीके मोहन बगान अभी भी इंटरेस्टेड है जेसन कमिंग्स को साइन करने के लिए, लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट सीजन जेसन कमिंग्स किस आईएसएल क्लब के लिए खेलेंगे। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जेसन कमिंग्स को साइन करने के लिए ट्रांसफ़र फी भी पे करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 3-4 करोड़ रहेगा, और जो किसी भी आईएसएल क्लब के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से तो 2 ही क्लब ये कर सकते थे, एटीके मोहन बगान और मुंबई सिटी एफसी, और वो दोनों ही क्लब्स रेस में हैं जेसन कमिंग्स को साइन करने के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है स्पेनिश डिफेंसिव मिडफील्डर अहमद जाऊ से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अहमद जाऊ लास्ट सीजन मुंबई सिटी एफसी के लिए खेले थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट ये समर ख़त्म होने वाला था। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म हो चुका है और मुंबई सिटी एफसी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी ऑफर किया है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अहमद जाऊ ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लेटर साइन नहीं किया है। और एक क्लब है आईएसएल की, एक क्लब है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अहमद जाऊ को साइन करने के लिए, और वो क्लब है बेंगलुरु एफसी। तो सुनने में आ रहा है कि बेंगलुरु एफसी ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है अहमद जाऊ को साइन करने के लिए, और फिलहाल टॉक्स चल रहे हैं बेंगलुरु एफसी और अहमद जाऊ के बीच में। अब देखते हैं कि बेंगलुरु एफसी अहमद जाऊ की साइनिंग कंप्लीट कर पाती है कि नहीं, वो तो अलग बात है। और धीरे धीरे और भी क्लब्स का इंटरेस्ट आएगा अहमद जाऊ को साइन करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी सर्जियो लोबेरा ने ओडिशा एफसी ज्वाइन कर लिया है, तो मेरे हिसाब से तो अभी ओडिशा एफसी भी इंटरेस्ट दिखाएगी जाऊ को साइन करने के लिए। और मुंबई सिटी एफसी भी पूरा ट्राई कर रही है अपना अहमद जाऊ को का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन अब देखते हैं कि नेक्स्ट सीजन अहमद जाऊ कौन से क्लब के लिए खेलेंगे। अगली अपडेट निकल के आ रही है चेन्नई एफसी के 32 ईयर ओल्ड ईरानियन डिफेंडर वाफा से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि वाफा का परफॉर्मेंस आईएसएल में उतना अच्छा तो नहीं था, नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस था हम कह सकते हैं चेन्नई एफसी के लिए, और इसलिए शायद चेन्नई एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी नहीं करना चाहती है, और नेक्स्ट सीजन चेन्नई एफसी किसी और नए डिफेंडर को साइन करेगी। और फिलहाल तो सुनने में आ रहा है कि चेन्नई एफसी ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है वाफा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, और अब देखते हैं कि वो कौन से नए फॉरेन प्लेयर को साइन करेंगे। तो जैसी कोई अपडेट आएगी कि चेन्नई एफसी ने किसी फॉरेन प्लेयर के साथ टॉक्स में है या फिर इंटरेस्टेड है साइन करने के लिए, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो एक र्यूमर अपडेट है, किसी भी रिलायबल सोर्स ने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे एक र्यूमर अपडेट के तरह ही ट्रीट करिएगा। तो सुनने में आ रहा है कि एटीके मोहन बगान एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है 26 ईयर ओल्ड अंगोलियन स्ट्राइकर गेलसन डाला को साइन करने के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गेलसन डाला करेंटली कतार के टॉप टायर क्लब अल वखरा एससी के लिए खेलते हैं, और वहां पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने 17 मैचेस खेलते हुए अराउंड 18 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है अपने क्लब के लिए, और करंटली उनकी मार्केट वैल्यू 17.6 करोड़ है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मार्केट वैल्यू और सैलरी अलग अलग चीज़ है और दोनों अलग चीज़ होती हैं, तो सैलरी मोस्ट प्रोबेबली मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम ही होती है। और सुनने में आ रहा है कि गेलसन डाला बैकअप ऑप्शन है एटीके मोहन बगान के लिए, अगर एटीके मोहन बगान जेसन कमिंग्स को साइन नहीं कर पाई तो ये सिर्फ एक बैकअप साइनिंग होगी। और करेंटली मैं आप सभी को बता दूं कि ये काफ़ी अच्छी बैकअप साइनिंग होगी, लेकिन एटीके मोहन बगान को गेलसन डाला को साइन करने के लिए भी ट्रांसफ़र भी पे करना पड़ेगा,
क्योंकि गेलसनडाला का कॉन्ट्रैक्ट अलवक्रा एससी के साथ 2025 सीजन तक है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि आप सभी को फास्टेस्ट अपडेट्स मिले।